और मैं CISF में हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत था, और उसके बाद जब भी छुट्टी मिलती थी बापूजी की सिक्योरिटी सेवा में जाते थे। ऐसा हमने कभी देखा नहीं, 30 साल हो गए हमें बापूजी की शरण में आते आते। कभी कुछ ऐसी घटना देखी कि आके बापू के द्वारा ऐसा कुछ होते हुए? नहीं, कभी नहीं देखी, और किसी को कुटिया में जाने की तो अनुमति थी नहीं। हम आश्रम में बापूजी के साथ भी रहे हैं, सिक्योरिटी सेवा में लाइन चलती थी तब भी रहे हैं हम, पर हमने ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं देखा, ये सब असत्य है। षड्यंत्र के तहत बापू को फंसाया गया है, ये सब जो है क्रिश्चियनिटी का जो है प्रभाव है, और हिंदू धर्म की जो प्रचार बापूजी कर रहे हैं, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, वो इनको रास नहीं आ रहा, इस कारण बापूजी को बदनाम किया है इन लोगों ने। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बापूजी बाहर आए, लेकिन बापूजी ससम्मान बाहर आएंगे और पूरे भारतवर्ष में सत्संग देंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव ससम्मान वापस आएंगे, और निर्दोष थे, निर्दोष हैं, और हमारे गुरुदेव निर्दोष ही रहेंगे। मेरा नाम श्रीमती किरण शर्मा है, नीमच जिले नीमच में ही मेरी सर्विस है, ASI के, और मैं आरक्षक थी, तब से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे 30 साल हो गए दीक्षा लिए। अहमदाबाद आश्रम में मैंने दीक्षा ली है, और गुरुदेव की कृपा से मुझे 3 बेटी और 1 बेटा है, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे, 7 साल तीनों बेटियां और बालक तीनों पढ़े हुए हैं मेरे, और पढ़ाई में भी बिल्कुल सब जगह फर्स्ट क्लास आते हैं। एक बेटी ने BCA किया हुआ है, जो सूबेदार है। एक ने MSc किया हुआ है, वो भी टॉपर है, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर है। और सबसे छोटी बेटी है, उसको तो गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, बीच वाली को। और सबसे छोटी बेटी है, उसने BSc किया हुआ है, और सभी बच्चे एजुकेटेड और अच्छे सुसंस्कारी बच्चे हैं। ये छिंदवाड़ा गुरुकुल की ही देन है मेरे बापू की, क्योंकि हम तो दोनों उस सर्विस में थे तो ध्यान दे नहीं पाते थे बच्चों पे, तो गुरुकुल में पढ़ने के कारण ही सुसंस्कारी बच्चे बने हमारे। क्या कहोगे जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, उसके बारे में? ये तो सब असत्य है भगवान, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। 30 साल हो गए हमें बापूजी की शरण में आते आते, कई सत्संगों में, और बापूजी से तो हम ऐसे भी चर्चा करते थे कई बार, सिक्योरिटी सेवा में मैं भी रही हूँ गुरुदेव के साथ, जी हाँ, तो कई बार हम आश्रम में बापूजी के साथ भी रहे हैं, सिक्योरिटी सेवा में लाइन चलती थी तब भी रहे हैं हम, पर हमने ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं देखा, ये सब असत्य है। आप भी मतलब 30 सालों से जुड़े हुए? हम लोग 30 साल से जुड़े हुए बापूजी से, और मैं CISF में हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत था, और उसके बाद जब भी छुट्टी मिलती थी बापूजी की सिक्योरिटी सेवा में जाते थे। बापू के एकदम करीब रहते? बापू जी के बिल्कुल करीब, कुटिया के बाहर सिक्योरिटी की सेवा करते थे। तो ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में है, और आपने बताया कि करीब एकदम हम सिक्योरिटी करते थे, तो कुटिया के अंदर क्या लड़कियां जाती थी क्या? लड़की क्या जाएगी, आश्रम के जो सेवादारी जो हैं, जो समर्पित जो आश्रम में रहते हैं, उनको भी संचालक को भी हम जो है पूछताछ के बाद ही जाने देते हैं, ऐसी कड़क सिक्योरिटी हमारी रहती है। तो लड़की की तो बात ही और अलग है, लड़की कैसे जाएगी? कभी कुछ ऐसी घटना देखी कि आके बापू के द्वारा ऐसा कुछ होते हुए? नहीं, कभी नहीं देखी, और किसी को कुटिया में जाने की तो अनुमति थी नहीं। आश्रम, हर आश्रम का नियम है कि 7 बजे बाद तो आश्रम में जो है महिलाओं का आना जाना भी बंद हो जाता है। तो मतलब आरोपों में कोई सच्चाई? कोई सत्याई नहीं, कोई सत्यता नहीं, शाबाश नहीं, ऐसा हमने कभी कुछ नहीं देखा। 30-32 साल हो गए बापूजी की सेवा में आते जाते हमको, और सभी करीब करीब सभी आश्रमों में गए, हम पंजाब तक गए हुए हैं बापूजी के साथ सेवा में, लेकिन हमने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी श्रद्धा बरकरार है, क्या कारण है? गुरुदेव की कृपा ही इतनी है कि हम बखान नहीं कर सकते, बापू जी के वर्णन नहीं कर सकते, इतना बापू ने दिया है हमें, हम बोल नहीं सकते। मतलब वो आरोपों में कोई सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं है, झूठा षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत बापू को फंसाया गया है, ये सब जो है क्रिश्चियनिटी का जो है प्रभाव है, और ये लोग चाहते हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए इसी षड्यंत्र के तहत बापू को फंसाया गया है। क्या लगता है बापू फिर से आएंगे क्या? बापू फिर से आएंगे, जरूर आएंगे, और पूरे भारतवर्ष में सत्संग देंगे। विश्वास पक्का? पक्का विश्वास है, हमारे गुरुदेव ससम्मान वापस आएंगे, और निर्दोष थे, निर्दोष हैं, और हमारे गुरुदेव निर्दोष ही रहेंगे। लोगों का ऐसा भी कहना है ये तो एक अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, क्या कोई अंधश्रद्धा नहीं है हमारी पक्की और सच्ची श्रद्धा है गुरुदेव के चरणों में, और बस गुरुदेव से यही चाहते हैं कि उनके चरणों में हमारी श्रद्धा बनी रहे। मतलब काफी जगह आपने बताया कि बापू के साथ आप रहे हो, मतलब सिक्योरिटी में रहे हो, अलग अलग जगह हो गए, कहीं कुछ ऐसी घटना देखी हो कि जो आरोप लग रहे ऐसी कुछ घटना हुई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई सिक्योरिटी सेवा में रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सब तरफ गए हुए, सब राज्यों में गया हूँ सिक्योरिटी सेवा में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। तो 30 सालों से जा रहे हो, कौन फंसाएगा बापू को, कौन अंदर करवाएगा? जो विधर्मी लोग हैं उनको ये सब बापूजी का कार्यक्रम रास नहीं आ रहा है,
और हिंदू धर्म की जो प्रचार बापू जी कर रहे हैं, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, वो इनको रास नहीं आ रहा, इस कारण बापू जी को बदनाम किया है इन लोगों ने। क्या कहोगे, 10 सालों के अंदर बड़े बड़े अपराधी हमने देखा कि छूट गए, उनको बेल मिल गई, उनको पैरोल मिल गई, उनको फल्लो मिल गया, लेकिन संत आसाराम जी बापू को पिछले 10 सालों के अंदर एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक की उनको राहत नहीं मिल रही है। इलाज कराने के लिए भी बापू को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्या कारण है? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बापू जी बाहर आए, लेकिन बापू जी सम्मान बाहर आएंगे और पूरे भारतवर्ष में सत्संग देंगे और जगह जगह प्रचार होगा।